वेलकम टू द पूल ऑफ साइंस स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है क्लास हिस्टोइडिया, जिन्हें कहते हैं टेपवर्म्स। तो क्लास हिस्टोइडिया ये फ्लैटवर्म्स की स्पेशलाइज्ड क्लास है। हिस्टोइडिया के मेंबर्स को कहते हैं कॉमनली टेपवर्म्स। इसके अंदर 3,500 स्पीशीज जो हैं वो टेपवर्म्स की पाई जाती हैं, और ये तमाम टेपवर्म्स जो हैं वो एंडोपैरासाइट होते हैं, यानी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। किसकी बॉडी के अंदर? अपने होस्ट की बॉडी के अंदर। मीन्स टेपवर्म के जो भी स्पेसिफिक होस्ट हैं, तो ये अपनी होस्ट की बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। अब होस्ट की बॉडी के अंदर कहाँ पाए जाते हैं? तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर रहते हैं, और वहीं ये एडल्ट होते हैं, बड़े होते हैं। और टेपवर्म का साइज जो है वो 1 से 23 मीटर तक होता है, यानी इनकी लेंथ जो है वो 23 मीटर तक होती है। कुछ टेपवर्म्स के अंदर अडैप्टेशंस हो गई, यानी टेपवर्म्स ने अपने अंदर चेंज कर लिया है। कुछ पैरासाइटिक अडैप्टेशंस उन्हें फॉलो कर ली हैं, तो उनमें है कि माउथ एंड डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो टेपवर्म के अंदर मौजूद नहीं होते, और ये अपने होस्ट के न्यूट्रिएंट्स को डायरेक्टली एब्जॉर्ब करते हैं अपने सकर के जरिए। क्योंकि टेपवर्म की बॉडी जो है बिल्कुल टेप की तरह होती है, चिपटी होती है, और इनकी बॉडी के एक एंड पर सकर लगा हुआ होता है, जिसकी वजह से ये होस्ट की डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ अटैच हो जाते हैं और होस्ट की न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं। मोस्ट एडल्ट टेपवर्म्स जो हैं उनके अंदर प्रोग्लोटिड्स पाए जाते हैं, यानी प्रोग्लोटिड्स जो हैं वो क्या होते हैं, वो रिपीटेड यूनिट्स होते हैं। हर प्रोग्लोटिड के अंदर कंप्लीट रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स जो हैं वो पाई जाती हैं, यानी मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन टेपवर्म के अंदर मौजूद होता है, उसके हर प्रोग्लोटिड के अंदर। एडल्ट टेपवर्म्स जो हैं वो स्टेबल इन्वायरमेंट के अंदर ही ग्रो करते हैं, इनके अंदर कोई इन्वायरमेंटल वेरिएशंस नहीं पाई जाती। यानी जब ये होस्ट के इंटेस्टिनल ट्रैक, यानी इंटेस्टाइन या डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर पाए जाते हैं, तब इनके अंदर कोई भी इन्वायरमेंटल वेरिएशंस नहीं होती, क्योंकि होस्ट का इंटेस्टिनल ट्रैक जो है वो स्टेबल इन्वायरमेंट रखता है, तो ये उस स्टेबल इन्वायरमेंट के अंदर ही ग्रो करती है। टेपवर्म्स जो हैं इनको स्पेशलाइज स्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं होती। होस्ट की फिजियोलॉजी, यानी होस्ट की बॉडी जो है वो टेपवर्म के बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखती है, तो इनके अंदर जो है ये एबिलिटी खुद नहीं पाई जाती। ये जिस होस्ट के अंदर, जो भी इनका स्पेसिफिक होस्ट होता है, तो ये उस होस्ट के अंदर ग्रो करते हैं, और उसी होस्ट के इन्वायरमेंट की वजह से ये अपनी बॉडी के होमियोस्टेसिस को मेंटेन करते हैं। पैरासाइटिक मोड ऑफ लाइफ की वजह से टेपवर्म्स के अंदर बहुत ही कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो हैं वो अब ख़त्म हो चुकी हैं, तो इसी वजह से ये कम्प्लेक्स टेपवर्म्स से सिंपल टेपवर्म्स में चेंज हो चुके हैं, इनके अंदर एवोल्यूशन हो चुकी है। नेक्स्ट हमारे पास क्लास हिस्टोइडा की सब क्लास है सिस्टोडेरिया। तमाम पैरासाइट्स जो हैं, जिनको एंडोपैरासाइट्स कहा जाता है, जो कि होस्ट के अंदर ग्रो करते हैं, तो वो इंटेस्टाइन के अंदर पाए जाते हैं, और पहले की जो फिशेस होती थी उनकी कैविटी यानी कॉलम के अंदर पाए जाते हैं, जिन्हें हम गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी भी कहते हैं। तो सिस्टोडेरिया की ऑलमोस्ट 15 स्पीशीज हैं। इनमें से कुछ जो हैं वो ट्रिमेटोड कैरेक्टरिस्टिक रखते हैं, जैसे कि इनके अंदर सिर्फ एक ही सेट होता है मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का, और कुछ स्पीशीज जो हैं, यानी कुछ एनिमल्स जो हैं, उनमें सकर पाया जाता है, जिसकी वजह से ये अपने होस्ट की बॉडी के साथ अटैच हो जाते हैं और उसके न्यूट्रिएंट्स को डायरेक्ट सक करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। और इनकी बॉडी जो है वो डिवाइड नहीं होती प्रोग्लोटिड्स की तरह, जैसे कि सिस्टोड्स की होती है, जैसे आपको पहले बताया। लेकिन सिस्टोडेरिया जो है वो कुछ करैक्टरिस्टिक्स सिस्टोड जैसा भी रखते हैं, यानी इनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम जो है मौजूद नहीं होता, और इनकी लार्वा स्टेज जो है बिल्कुल सिस्टोड की लार्वा स्टेज की तरह ही होती है। इसके अलावा इनके अंदर पैरेन्काइमल मसल सेल्स पाए जाते हैं, जो कि किसी और प्लेटी हेलमिंथीज के अंदर मौजूद नहीं होते। नेक्स्ट हमारे पास सब क्लास है यूसिस्टोडा, जिसे हम ट्रू टेपवर्म्स भी कहते हैं। ऑलमोस्ट तमाम सिस्टोड जो हैं वो सब क्लास यूसिस्टोडा से बिलोंग करते हैं, और इसलिए इनको हम ट्रू टेपवर्म्स कहते हैं, यानी रियल जो टेपवर्म्स होते हैं उनको क्लास यूसिस्टोडा के अंदर ही प्लेस किया गया है। इनकी बॉडी जो है वो डिवाइडेड होती है 3 रीजन्स में, जिसे कहते हैं फर्स्ट है स्कॉलेक्स, नेक एंड सिट्रोबिला। तो स्कॉलेक्स जो है ये एक एंड की तरफ प्रेजेंट होता है, इसे सकर भी बोलते हैं, और ये जो है होल्ड फास्ट स्ट्रक्चर रखता है, यानी ये टेपवर्म को होस्ट के साथ अटैच होने में हेल्प करता है। इसके अलावा स्कॉलेक्स के अंदर सर्कुलर या फिर लीफ लाइक सकर्स पाए जाते हैं, समटाइम इनके अंदर हुक भी पाई जाती है, और टेपवर्म्स जो हैं वो इस स्कॉलेक्स यानी सकर को यूज़ करके अपनी बॉडी को होस्ट की इंटेस्टिनल ट्रैक के साथ अटैच कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। माउथ जो है वो इनके अंदर मौजूद नहीं होता। नेक्स्ट हमारे पास है नेक। तो स्कॉलेक्स के बाद जो नैरो रीजन स्टार्ट होता है उसे कहते हैं नेक। तो ये है टेपवर्म की डायग्राम। तो ये है इसका स्कॉलेक्स रीजन,
स्कॉलर से बाद जो नैरो पोर्शन स्टार्ट होता है प्रोग्लोटिड्स का, उसे कहते हैं नेक रीजन। अब नेक रीजन के अंदर दो तरह के सेगमेंट्स पाए जाते हैं, एक होते हैं इंटीरियर सेगमेंट्स जो कि इमेच्योर होते हैं, और दूसरे होते हैं पोस्टीरियर सेगमेंट्स जो कि मेच्योर होते हैं। और टेपवर्म का थर्ड बॉडी रीजन है सेट्रोबिला। सेट्रोबिला वो पोर्शन है जबकि टेपवर्म के सेगमेंट फुली मेच्योर हो जाते हैं, राइपेंड हो जाते हैं, जिसे ग्रेविट भी कहते हैं, यानी पक जाते हैं। तो बॉडी जो है वो क्या करती है टेपवर्म की, आहिस्ता आहिस्ता उस सेगमेंट को, उस ग्रेविट सेगमेंट को पोस्टीरियरली पुश करती है और बॉडी से सेपरेट कर देती है। सेट्रोबिला जो है वो सीरीज ऑफ प्रोग्लोटिड्स का बना हुआ होता है। प्रोग्लोटिड जो है वो रिप्रोडक्टिव यूनिट के तौर पर काम करते हैं, यानी वो प्रोग्लोटिड जो मेच्योर हो जाता है और टेपवर्म जो है इसे अपनी बॉडी से सेपरेट कर देता है, वो जो है रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, इन्वॉल्व होता है, और उसे फर्दर जो है वो न्यू टेपवर्म्स प्रोड्यूस होते हैं। टेपवर्म जो है वो ग्रो करता है और न्यू प्रोग्लोटिड जो है वो एडिट होते रहते हैं उसके नेक रीजन में, और जो ओल्डर प्रोग्लोटिड्स होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता टेपवर्म जो है वो पोस्टीरियरली पुश करता रहता है और फिर बॉडी से उसको सेपरेट कर देता है। और जब प्रोग्लोटिड जो है वो पोस्टीरियरली मेच्योर हो जाता है तो उसके अंदर एग की प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। इंटीरियर प्रोग्लोटिड जो है वो इमेच्योर होते हैं, सेट्रोबिला के मिड रीजन में ये मेच्योर हो जाते हैं और उसके बाद ये फुली राइपेंड होकर बॉडी से सेपरेट हो जाते हैं। प्रोग्लोटिड्स जो है वो पोस्टीरियर एंड की तरफ इकट्ठे होते रहते हैं। वो प्रोग्लोटिड्स जो कि टेपवर्म के पोस्टीरियर एंड पे पाए जाते हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा तादाद में एग्स प्रोड्यूस हो चुके होते हैं, तो इनको हम ग्रेविट सेगमेंट यानी राइपन सेगमेंट भी कहते हैं। तो ये था हमारा आज का लेसन।